Hello, assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. So let's see what we have done in our last session. Okay, we were talking about the processor fundamentals. We talked about the supercomputers. And we also talked about the pipelining stuff as well. So, bachcho, aaj thoda sa aur aage badhte hain ab. And let's start a new chapter now. So, aaj hum ek naya chapter start karne wale. This chapter is called one of the main chapters of P3. This chapter is called Operating System. Let me start the Zoom on the next window as well so that I can answer your queries as well, bachcho. This is one of the most major chapters of paper 3. So, bachcho, when we talk about an OS, agar hum log yahan pe operating system ki baat kare, so whenever we are going to talk about an operating system, this is a system software used to manage, softwares and hardwares of computer system. So, एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है उसे मैनेज करता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओएस. नाउ बच्चों, मैक चैट इज ऑल्सो अवेलेबल. इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी स्टफ, एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क ऑन चैट ऑप्शन. So there are two modes of OS. One mode is called the user mode, and the other mode is called kernel mode. The other mode is called रूबा. मैं समझा नहीं. वेट फॉर टू मिनट्स व्हाट यू आर सेइंग बेटा. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कर्नल मोड. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोड्स. वन मोड इज कॉल्ड यूजर मोड एंड द अदर मोड इज कॉल्ड कर्नल मोड. कर्नल मोड बच्चों क्या होता है आपके पास? पहले तो यूजर मोड की बात कर ले. यूजर मोड जो आप लोग जनरली आप लोग जो यूज कर रहे होते हैं अपना सिस्टम, तो दैट इज द यूजर मोड. कर्नल मोड क्या होता है आपके पास? कर्नल मोड इज एक्चुअली वो जो आप लोग कमांड्स के थ्रू अपना ओएस एक्सेस कर रहे होते हैं यूजिंग द कमांड्स, सीएमडी जो कहलाता है, सीएमडी. So that mode is actually called kernel mode. Kernel mode का benefit क्या होता है? Kernel mode के अंदर आपके पास you are having
सोल एक्सेस ऑफ मेमोरी, फर्दर कर्नल मोड के अंदर मल्टीपल सिस्टम फंक्शंस आर अवेलेबल एंड दिस इज द कर्नल मोड. दिस इज द कर्नल मोड having direct access of hardware. So hardware के साथ जो directly access होता है आपके पास, that is of the kernel mode. So kernel mode की अगर मैं एक छोटी सी diagram भी यहाँ पे draw करूँ, so आप लोग को थोड़ा सा अच्छा सा concept एक deliver होगा. That you should know this diagram as well. Now let's assume that this is your user. ये हमारा user है. User interact करता है with application softwares. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करती है विद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करती है विद कर्नल मोड एंड कर्नल मोड आपके पास एक्सेस करता है बच्चों टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर. तो दिस इज अ बेसिक छोटी सी डायग्राम दैट यू शुड नो ऑफ कर्नल मोड. कर्नल मोड की एक छोटी सी डायग्राम आप लोगों को पता होनी चाहिए. ये मतलब एक छोटा सा ये थियोरिटिकल टॉपिक था आपके पास कर्नल मोड का. सो यू शुड नो देयर आर टू मोड्स ऑफ ओएस. कर्नल मोड के अंदर आपके पास सोल एक्सेस ऑफ द मेमोरी, मल्टीपल एक्सेस ऑफ फंक्शंस एंड कर्नल मोड इज द वन दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिंग योर हार्डवेयर. नाउ मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जरा. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चो अ प्रोग्राम. एनीवन, कोई बच्चा मुझे प्रोग्राम की डेफिनेशन बता सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम? एनीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. प्रोग्राम क्या होते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कोई भी बच्चा मुझे बताए प्रोग्राम. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोग्राम क्या होता है? शहीद, रुहुल अमीन, अ पीस ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मुस्तफा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. परफेक्ट मुस्तफा, योर आंसर इज राइट. शहीद, आपका आंसर भी ठीक है, अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक कोड होता है आपके पास. सो बच्चों प्रोग्राम क्या होता है? हमारे पास सेट ऑफ instructions. अब एक और वर्ड आता है हमारे पास यहां पे, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोसेस. दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोसेस. तो बच्चों प्रोसेस क्या होती है आपके पास? एग्जीक्यूशन ऑफ instructions. एग्जीक्यूशन ऑफ instructions इज कॉल्ड अ प्रोसेस. So, जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, वरना क्या होगा? प्रोग्राम कहलाएगा. अब
समटाइम्स हमारी प्रोसेस बड़ी होती है, समटाइम्स आर प्रोसेस इज बिगर। सो हम प्रोसेस को क्या करते हैं, मल्टीपल मल्टीपल उसके अंदर प्रोसेस के अंदर ब्रेक कर देते हैं। नाउ लेट्स एज्यूम कि दिस वाज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस वाज एग्जीक्यूटिंग, सो वी कॉल दिस पार्ट एज थ्रेड, वी कॉल दिस पार्ट एज थ्रेड। सो थ्रेड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। सो प्रोसेस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड, इट्स कॉल्ड अ थ्रेड। अब बच्चों आपके पास जो प्रोसेस होती है ना, दैट प्रोसेस कैन बी इन थ्री स्टेट्स। एक प्रोसेस आपके पास तीन स्टेट्स के अंदर हो सकती है। यू कैन कॉल इट अ प्रोसेस, यू कैन कॉल इट एन इंस्ट्रक्शन। सो एन इंस्ट्रक्शन कैन बी इन थ्री स्टेट्स। वन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड ready state, another state is called running state, and the last state is called block state। सो एक इंस्ट्रक्शन बच्चों आपके पास तीन स्टेट के अंदर हो सकता है, या तो वो रनिंग में होगा, या वो रेडी होगा, या रनिंग में होगा, या फिर इट विल बी इन अ ब्लॉक स्टेट। अब ये रेडी स्टेट क्या होती है, रेडी स्टेट होती है बच्चों आपके पास इंस्ट्रक्शन रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अगर आपका इंस्ट्रक्शन रेडी है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, तो दैट इज रेडी स्टेट। रनिंग स्टेट क्या होगी, अब आप लोग खुद बता सकते हैं, रनिंग स्टेट क्या होगी, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिंग इज इन रनिंग स्टेट। और ब्लॉक स्टेट क्या होगी आपके पास, इंस्ट्रक्शन waiting for an event, किसी event के लिए आपका instruction wait कर रहा हूं, so that is your block state। यहां तक कोई question हो बच्चों, process, program, thread, instructions, तो मैक शर्ट पे लिख के पूछ ले, else else write down clear on the chat option so that I can move forward। ठीक है, मुस्तफा ने बता दिया, शहीन ने बता दिया, परफेक्ट, जबरदस्त बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बात याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थैंक यू अभिया, थैंक यू रूहुल अमीन, शहीर, थैंक यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने तीन जगह तीन डायग्राम्स ड्रॉ करी, आई ड्रॉ थ्री डायग्राम्स ओवर हियर, द फर्स्ट डायग्राम इज फॉर सी पी यू, द नेक्स्ट डायग्राम इज फॉर रैम, एंड द लास्ट डायग्राम इज फॉर secondary storage। So we have secondary storage, we have RAM, we have CPU। Whenever we want to execute
एनी इंस्ट्रक्शंस, हमें सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा पिक करके रैम के पास लेके जाना पड़ता है। तो बच्चों जब आप लोग सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा पिक करके रैम के पास लेके जाते हैं, द बस दैट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड HLS. दिस बस इज नेम्ड एज हाई लेवल शेड्यूलर। कभी कभार आप लोग को रैम से डेटा स्टोर करना होता है परमानेंटली बैक टू योर सेकेंडरी स्टोरेज, द शेड्यूलर दैट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड MLS. MLS stands for medium level scheduler. Sometimes you need to take data from RAM towards CPU and from CPU towards back to your RAM. So this is the main processor. This is the main bus. ये buses के नाम हैं। पहले आप लोगों ने ओ लेवल में अलग नाम पढ़े होंगे, अब थोड़े से डिफरेंट नाम है भाई। तो दीज आर द बसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड, सो वी कॉल दिस बस एज LLS. आई थिंक यू कैन सजेस्ट द नेम। सो LLS का रोल क्या है? लो लेवल शेड्यूलर We have a question. Question is from one of our student. She is asking, "Ke sir, sab mein difference kya hai?" To Ruba beta, the role is different. HLS ka kaam hai secondary storage se data leke jana towards RAM. Medium level ka kaam hai ki wo RAM se data wapsi leke jaye secondary storage ke paas. And low level ka kaam hai take data from RAM towards CPU and from CPU back towards RAM. So Every scheduler is having their different role. Her scheduler का role क्या different है हमारे पास? And more particularly, ये जो RAM से data लेके जा रहे towards the CPU, we call this bus या scheduler as dispatcher. We call it as dispatcher. So ये क्या कहलाता है आपके पास? ये कहलाता है आपका dispatcher कहलाता है ये. So dispatcher is actually a low-level scheduler, लेकिन more appropriately, it takes data from RAM towards CPU. So we are having high-level scheduler, we are having medium-level scheduler, and we are having low-level schedulers. Now, moving forward, बच्चों आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और. अब देखिए, एक नई process arrive हुई. एक नई प्रोसेस, न्यू प्रोसेस अराइव हुई बच्चों इन मेमोरी, इट्स अ न्यू प्रोसेस And when I'm talking about the word memory, so this means I'm talking about RAM. मैं RAM की बात कर रहा हूँ। एक नई process आई RAM के अंदर, तो जैसे ही ये नई process RAM के अंदर आती है, so आपके पास एक चीज create हो जाती है, and that stuff is called PCB. is created. Anyone knows the full form of PCB? सब बच्चों को पता होता है वैसे तो. Anyone knows the full form of PCB? Sheer, I was thinking कि आप बोलोगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन आपने तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोल दिया. ठीक है, रूहुल अमीन ने हमें बता दिया भाई के सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. तो दिस इज द आंसर आई यूज टू हैव व्हेन आई एम टीचिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस. तो मेरे पास सब बच्चे यही बता रहे होते हैं कि सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. तो बच्चों दिस इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दिस इज नॉट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट वाज अ क्लोज वन शही, बट स्टिल. सो पीसीबी क्या होती है आपके पास? दिस इज कॉल्ड
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। होता क्या ये आपके पास, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स relevant information about the process. So ये जो आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने पास। इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। So whenever process arrives in memory, PCB is created. और PCB क्या चीज होती है आपके पास, it's a complex data structure that stores the relevant information about the process. Can anyone name some data structures? तो data structures क्या होते हैं, आप लोग को मैंने पहले भी पढ़ाए में, like arrays, ADTs, stack, queue, linked list, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सब क्या डेटा स्ट्रक्चर में। अब बच्चों जैसे ही आपके पास पीसीबी क्रिएट होता है तो आपकी प्रोसेस आ जाती है एक स्टेट के अंदर एंड वी कॉल दैट स्टेट एज Ready state. So हमारे पास एक प्रोसेस तीन स्टेट के अंदर हो सकती है, either it will be in ready state or it will be in running state or the process can be in log state. अब बच्चों यू नीड टू बी विद मी, आप लोग को मेरे साथ होना होगा। लेट्स सी, पहले हम यहां नीचे छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा मैं यहां पे। बच्चों लेट्स एज्यूम दिस इज अ कैंटीन and the year is 2017 mein canteen hai, this was canteen wale uncle, aur aap logo ko yaad hoga canteen ki bell bajti thi aur sab bacche bhag ke pahunchte the towards the canteen. So let's see, this was sabse pehle pahunch gaya hamare paas वासिक, वासिक के पीछे पहुंची अभिया, अभिया के पीछे आ गए रुहुल अमीन और रुहुल अमीन के पीछे आ गई हमारे पास रूबा। अब बच्चों ये देखो, ये जो कैंटीन की लाइन में आप लोग खड़े में, so you people are in ready state. आप लोग कौन सी स्टेट में, आप लोग रेडी स्टेट के अंदर हैं। वासिक पहुंचे कैंटीन वाले के पास, इन्होंने बोला मुझे चार समोसे दे दो। तो बच्चों जब ये समोसे दे रहे ने, so that is वासिक is in running state. वासिक को समोसे मिले, He is out of the queue, खत्म, gone. अभिया ने बोला कि मुझे दो समोसे दे दें, इनको दो समोसे मिले, she is out.
अब बच्चों रूहुल अमीन आए, रूहुल अमीन ने बोला मुझे आप 5 समोसे दे दें। लेकिन बच्चों जैसी रूहुल अमीन ने 5 समोसे कैंटीन वाले ने दिए ने, रूहुल अमीन ने अपनी जेब में हाथ डाला, नाउ ही इज इन रनिंग स्टेट, इन्होंने जेब में हाथ डाला, इनके पास वॉलेट नहीं था, इन्होंने कैंटीन वाले को बताया मैं वॉलेट भूल गया, तो कैंटीन वाले ने बच्चों 5 समोसे करे साइड में इस तरफ और रूहुल अमीन को कर दिया इन्होंने इस तरफ, बोला बेटा जाओ बेटा पैसे लेकर आओ। रूहुल अमीन गुस्से में आ गए, रूहुल अमीन भाग के गए जल्दी 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 क्लास के अंदर गए, क्लास से अपना वॉलेट लिया। नाउ ये लाइन अब और बड़ी हो चुकी थी, शहीर भी आ गए थे, शहीर के बाद हमारे पास मुस्तफा भी आ गए थे, फिर मुर्तजा भी आ गए थे, फिर हमारे पास अभी अब फिर आ गई थी लाइन में लगने, तो ये लाइन बहुत बड़ी हो गई थी। नाउ एट द फ्रंट ऑफ द रॉक रूबा वॉज स्टैंडिंग, रूहुल अमीन भागते हुए आए, मैं बोला हट जाओ, रूहुल अमीन आ गए, क्या कैंटीन वाले इनको साइड में कर दिया था, अब ये पैसे लेकर आए। अब बच्चों रूहुल अमीन यहां पर आ गए, नाउ कैंटीन वाला इज एक्चुअली डीलिंग विद रूबा, और रूहुल अमीन बीच में आ गए, लाइन सब छोड़ छाड़, बोले हट जाओ मुझे समोसे दो। सो रूबा व्हाट विल बी योर आंसर, क्या होगा बेटा आपका आंसर? रूहुल अमीन आगे बीच में और नाउ ही इज आस्किंग फॉर द समोसास एंड यू आर इन द फ्रंट ऑफ द क्यू, सो व्हाट विल बी योर आंसर? और ये लाइन बहुत बड़ी हो चुकी है अब, सो व्हाट विल बी योर आंसर? मतलब इट्स अ रैंडम क्वेश्चन, नो टेक, कोई टेक्निकल स्टफ नहीं है इसके अंदर, एनीवन कोई बच्चा अगर बताए तो व्हाट शुड रूबा डू, रूबा को क्या आंसर करना चाहिए रूहुल अमीन को? मुर्तजा ऐसा तो अब आजकल नहीं होता, मुर्तजा बताने के बोलने के वो रूहुल अमीन को चांस देने, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अभिया ने हमें यहाँ पे राइट आंसर किया, अभिया ने बोला भाई रूहुल अमीन को बोले कि भाई जाओ लाइन में लगो, क्या करो जाओ फिर जाके तुम भी जाके लाइन में लगो जैसे बाकी लोग लगे। में तो बच्चों आपका कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही जवाब देता है, तो अगर आप लोग की प्रोसेस रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट में आ जाती है तो ब्लॉक स्टेट से आप लोग वापसी रनिंग स्टेट के अंदर नहीं जा सकते, अभी सारी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप वापसी ब्लॉक स्टेट से रनिंग स्टेट में नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है? मुस्तफा तो धक्का दे रहे भाई नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हाँ धक्का दे सकते हैं अगर इंटरप्ट आ रहा हो, इफ देयर इज एन इंटरप्ट तो फिर हाँ बिल्कुल आप धक्का देके सबको रोक के और इंटरप्ट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, खैर इसकी भी बात करेंगे बाद में। सो बच्चों लेट्स अगेन, तो वापसी बताता हूं आप लोग को, एक प्रोसेस अराइव हुई, पीसीबी क्रिएट हुई, पीसीबी इज अ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर अबाउट दैट प्रोसेस, और जैसे ही पीसीबी क्रिएट हो जाती है आपकी प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाती है। रेडी स्टेट में एक प्रोसेस नहीं होती, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन द रेडी स्टेट एंड वी कॉल देम एज रेडी क्यू, हम इन्हें क्या कहते हैं रेडी क्यू के अंदर। जब प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास चली जाती है, सो प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर बच्चों क्या होती है मूव हो जाती है। अब जरा मुझे बताएं आप लोग कौन प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में लेके जाएगा, कौन प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट के अंदर लेके जाएगा? द आंसर इज रिटन इन दिस पेज, पेज में आंसर लिखा हुआ है। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन लेकर जाएगा प्रोसेस को? रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन लेकर जाएगा प्रोसेस को? रूहुल अमीन, चले मैं आप लोग बता दूं आंसर यहां लिखा हुआ है, अब बता दे कोई। वासिक, एचएलएस का काम होता है सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा रैम में लेके जाना। जब एक प्रोसेस क्रिएट हो गई ना
अराइव्स इन मेमोरी मतलब ये आप पर रैम में ऑलरेडी आ चुकी है, ये रैम में, दिस मेमोरी इज एक्चुअली रैम। हाँ तो रूहुल अमीन ने बताया बच्चों करेक्ट वर्ड डिस्पैचर, तो दिस इज द डिस्पैचर जो आपकी रैम से सीपीयू के बाद लेके जाएगा, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कहाँ होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं, सो डिस्पैचर इन्वॉल्व होगा यहाँ पे बच्चों, तो डिस्पैचर इज द वन जो लेके जाएगा फ्रॉम रेडी टू रनिंग स्टेट। अब बच्चों रनिंग स्टेट में आप एग्जीक्यूट हो रहे थे, एक इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट अगर आ गया तो आप वापसी रनिंग से, आप वापसी रनिंग स्टेट से मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स भाई, मेरा पॉइंटर क्यों हैंग हो गया, तो अगर कोई इंटरप्ट आ जाए तो आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट से वापसी कहां मूव हो जाएगी, टुवर्ड्स रेडी स्टेट। अब वापसी यहां पर आते हैं, वापसी का है चार समोसे चाहिए, चारों समोसे मिल गए तो बच्चों जॉब डन कंप्लीट। तो अगर आप रनिंग स्टेट से आपकी जॉब कंप्लीट हो जाए तो आप लोग चले जाते हैं टुवर्ड्स द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, आपकी प्रोसेस टर्मिनेट कर दी जाती है। कब होती है टर्मिनेशन, व्हेन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, प्रोसेस कंप्लीट होगी सो फ्रॉम रनिंग स्टेट से वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब ब्लॉक स्टेट वाली बच्चों, रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट में कब आएंगे, लाइक रूहुल अमीन के पास पैसे नहीं थे तो उनको साइड में कर दिया गया, तो बच्चों कभी भी आप लोग पर अगर कोई डिपेंडेंसी आएगी, जनरली द डिपेंडेंसी इज फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डिपेंडेंसी आ जाती है आपके पास, डिपेंडेंसी। तो अगर डिपेंडेंसी आ जाए तो आप रनिंग स्टेट से, आप रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट के अंदर चले जाएंगे, और बच्चों जब आपकी ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जब ये डिपेंडेंसी आप लोग के पास खत्म हो जाएगी तो आप ब्लॉक स्टेट से कहां मूव करेंगे, एनीवन ब्लॉक स्टेट से रनिंग या रेडी, ब्लॉक स्टेट से रनिंग या रेडी, ब्लॉक स्टेट से रनिंग या रेडी। तो बच्चों परफेक्ट, तो ब्लॉक स्टेट से आप लोग हमेशा रेडी स्टेट में मूव कर सकते हैं। सेम केस फॉर द रूहुल अमीन, ये बीच में ब्लॉक स्टेट से वापसी रनिंग स्टेट में आना चाह रहे थे तो रूबा ने बोला कि पीछे जाओ जाके लाइन में लगो। तो बच्चों अगर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, डिपेंडेंसी इज फिनिश्ड, सो द प्रोसेस इज मूव्ड बैक टू द रेडी स्टेट, सो द प्रोसेस कैन नॉट मूव फ्रॉम ब्लॉक स्टेट बैक टू अगेन रनिंग स्टेट के अंदर, डायरेक्टली मूव नहीं हो सकती। तो बच्चों दिस वॉज द वेरी वेरी मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओएस दैट यू शुड नो। अब जरा वापसी एक दफा रिकैप करवाता हूं, एक प्रोसेस अराइव हुई, पीसीबी क्रिएट हुआ, प्रोसेस आ गई रेडी स्टेट के अंदर, प्रोसेस का टाइम आ गया तो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट के अंदर चली गई। रनिंग स्टेट से अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो इट विल बी टर्मिनेटेड, और रनिंग स्टेट से अगर कोई डिपेंडेंसी आ जाए तो प्रोसेस इज मूव्ड बैक टू द ब्लॉक स्टेट, और अगर कोई इंटरप्ट आ जाए तो रनिंग स्टेट से प्रोसेस मूव हो जाती है बैक टू रेडी स्टेट। ठीक है, अब प्रोसेस कैन मूव फ्रॉम ब्लॉक स्टेट, अगर वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो द प्रोसेस विल बी मूविंग बैक टू द रेडी स्टेट, वो आपसे जाके प्रोसेस लाइन में आपके पास लग जाएगी, एंड देन द साइकिल विल बी गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई चीज, फील फ्री टू आस्क, एल्स राइट डाउन क्लियर ऑन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है तो फील फ्री टू आस्क, वरना हम लोग फिर आगे मूव करते हैं बच्चों।
Just write down clear so that I can move forward to the next step. ठीक हो गया तो बच्चों ये चीज आप लोगों को क्लियर है, परफेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Now, अब देखो असल जो कहानी है ना बच्चों, द मेन स्टोरी इज दिस वन. ये असल स्टोरी आपकी, दिस इज द मेन स्टोरी. इन प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट के अंदर कौन लेके जाता है? एक प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट के अंदर कौन लेके जाता है बच्चों, ये आपका ओएस डिसाइड करता है. और ये ओएस डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अल्गोरिथम्स. सो दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग अल्गोरिथम्स कहते हैं इसे हम, शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग अल्गोरिथम्स क्या करते हैं, आपकी प्रोसेस को दे आर लो लेवल शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, लो लेवल शेड्यूलर की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे. एंड लो लेवल शेड्यूलर का काम क्या होता है, मूव द प्रोसेस from ready state to running state. So this is the role of the scheduler बच्चो, ready state से running state में move करता है भाई. अब हमारे पास दो तरह के शेड्यूलर्स होते हैं. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स. थैंक यू अमानुल्ला, आपने बहुत जल्दी क्लास ज्वाइन कर ली बेटा, थैंक यू. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स. वन शेड्यूलर इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव, एंड द अदर शेड्यूलर्स आर कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव. शेड्यूलर का काम क्या है? शेड्यूलर का काम है कि एक प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में मूव करना. तो दो तरह के शेड्यूलर्स हैं, एक शेड्यूलर कहलाता है आपके पास नॉन प्रीएम्प्टिव और एक शेड्यूलर कहलाता है आपके पास प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव अल्गोरिथम क्या होता है? ये ऐसा अल्गोरिथम होता है, it's a scheduling algorithm, it's a scheduling algorithm that can stop a process in running state. अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर है तो प्रीएम्प्टिव अल्गोरिथम उसको रोक सकता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन प्रीएम्प्टिव अल्गोरिथम, सो नॉन प्रीएम्प्टिव अल्गोरिथम क्या होता है, जाहिर सी बात है ये रोक नहीं सकता भाई. तो नॉन प्रीएम्प्टिव अल्गोरिथम क्या करता है, ये रोक नहीं सकता एक प्रोसेस को. तो मैंने ये पॉइंट नोट किया, आपको यहां पर नोट करवाया. सो दिस इज अ शेड्यूलिंग अल्गोरिथम. That cannot halt a process. Oops, sorry.
हाँ कैन नॉट, सही है, दैट कैन नॉट हॉल्ट अ प्रोसेस इन रनिंग स्टेट. सो आपके पास प्रीएम्प्टिबल गौतम दो हैं बच्चों, वन इज कॉल्ड राउंड रॉबिन एंड द अदर वन इज कॉल्ड, अगला क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एंड नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम भी दो है आपके पास. फर्स्ट वन इज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड द अदर एल्गोरिथम बच्चों इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. सो वी आर हैविंग टू एल्गोरिथम्स of non-preemptive and preemptive. Preemptive, round robin and shortest remaining time first. And non-preemptive के अंदर we are having first come first serve and the other one is called shortest job first. Now, बच्चों सिर्फ यहाँ पे आज मैं examples आप लोगों को explain कर देता हूँ ताकि इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे. Example वही canteen वाली best example है हमारे पास. ये कैंटीन वाले अंकल हमारे, ये कैंटीन वाले अंकल, और ये खड़े हुए हमारे पास बच्चे आ गए. पहला बच्चा आया हमारे पास मुस्तफा, ही वॉज नीडिंग 40 समोसास. मुस्तफा के पीछे रूबा, she was needing 8 samosas. इनके पीछे मुर्तुजा, smile कर रहे हैं भाई सब बच्चे, he was needing 2 samosas. और इनके पीछे शहीर, तो शहीर was needing 1 samosa. अब बच्चों कैंटीन वाले अंकल ने बोला जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, बोल सकते हैं ना कैंटीन वाले अंकल. तो बच्चों इस केस में क्या होगा, पहले मुस्तफा को 40 समोसे मिलेंगे, फिर रूबा को 8 समोसे मिलेंगे, फिर मुर्तजा को 2 समोसे मिलेंगे, और आखिर में शहीर को 1 समोसा मिलेगा. अब शहीर को सिर्फ 1 समोसा चाहिए, फॉर दैट ही नीड टू वेट अ लॉट. दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिथम्स. अनदर एल्गोरिथम कैन बी वो बोले कि आप कैंटीन वाले अंकल क्या बोले कि भाई शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको सबसे कम समोसे चाहिए मैं पहले उसको दूंगा. तो इस केस में बच्चों सबसे पहले शहीर को मिलेंगे, फिर मुर्तजा को मिलेंगे, फिर रूबा को मिलेंगे, और आखिर में मुस्तफा को मिलेंगे. अब कैंटीन वाले अंकल कैन से राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन के अंदर क्या होगा, वो बोलेंगे मैं हर बच्चे को 5 समोसे दूंगा, हर बारी में 5 समोसे दूंगा. अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आप चले जाएगा भाई, दैट इज टर्मिनेटेड, आप चले जाएगा. और अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती फिर जाके आप क्या करें, लाइन में लग जाए, राउंड रॉबिन. अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो चले जाएं, रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो लाइन में घूमते रहें, घूमते रहें, घूमते रहें, एंड सो ऑन. सो खैर बात करेंगे बच्चों इसके ऊपर इन आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ताला. I will be keeping few extra classes अभी विंटर के अंदर दिसंबर में. I will be keeping few extra classes आप लोगों की. That will be on Sundays. Time मैं आप लोग से एक दफा कंफर्म कर लूंगा आप लोग से, ताकि फिर थोड़ा सा हम सिलेबस को स्पीड अप करें, पासवर्ड्स भी करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है हम लोगों ने, अभी बहुत मेहनत करनी है हम लोगों ने यहाँ पे. सो वी आर ऑन अ गुड ट्रैक, अच्छी स्पीड में, लेकिन स्टिल वी नीड टू डू अ लॉट, बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है स्टिल. सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय.